स्टूडेंट मायने में माने आज मैं बात करने वाला हूँ माह नवंबर पाक्षिक मूल्यांकन विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा लिखिए। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसका मान वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होता है प्रतिबल का विमीय सूत्र अपॉन विकृति का विमीय सूत्र होता है। तो विकृति विमाहिर राशि होती है, तो प्रतिबल का विमीय सूत्र प्रत्यास्थता गुणांक के विमीय सूत्र के इक्वल होता है। तो यहाँ पर m l की पावर -1 t की पावर -2 होगा। मानक वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी तल पर इसका मान लगभग 1.0113 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर होता है। नली में पारे के तल के ऊपर कोई वायु नहीं होती है, केवल पारे की वाष्प की थोड़ी सी मात्रा विद्यमान रहती है जो पारे पर नगण्य दाब आरोपित करती है। अतः नली में पारे के तल के ऊपर लगभग निर्वात नहीं होता है, जिसे टॉर्सेली का निर्वात कहा जाता है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापी साम्य में हैं तो वे आपस में तापी साम्य में होते हैं। फ्यूल्ड प्रेशर क्या होता है और मात्रक बताना है? तो किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबित बल को दाब कहते हैं। P इक्वल टू एफ अपॉन ए इसका सूत्र होता है। तो एफ का मात्रक बटे ए का मात्रक। तो दाब का जो SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर की घात 2 होता है। हुक का नियम देखते हैं। प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति या फिर प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, जहाँ पर ई क्या होता है अनुपातिक नियतांक जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। उत्प्लावन क्या होता है? जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव उस ठोस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। स्टोक का नियम क्या होता है? जब त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार ईटा वस्तु श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से गति करती है तो उस गति के विपरीत दिशा में एक श्यान बल F कार्य करता है जिसका परिमाण निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। क्या होता है ये समीकरण? F इक्वल टू 6π ईटा r v होता है, जिसे स्टोक का नियम कहते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है? वह ताप होता है जब किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान -273.15 °C होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? साम्यावस्था में किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के किसी एक ओर उसके प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को जो रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के स्पर्श रेखी होता है उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे टी से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या अंतर होता है? तो समतापी प्रक्रम ताप इसमें स्थिर रहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम इसमें ऊष्मा स्थिर होता है। इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत होती है, इसमें ऊष्मा का मान नियत रहता है। यह प्रक्रम तीव्र होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, जबकि समतापी प्रक्रम धीमा होता है। अगला प्रश्न है प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? यंग इनके मात्रक और विमीय सूत्र बताना है। तो इसको वाई से दर्शाया जाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। मात्रक की बात करें ऐसा यूनिट में तो न्यूटन प्रति मीटर की घात 2 होता है। विमीय सूत्र की बात करें तो m l की पावर -1 t की पावर -2 होता है। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। तो इसको आप किस तरह से लिखना है ये सारा चीज़ आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको लोगों के लिए पॉज डाउन कर रहा हूँ, इस तरह से आपको पूरा चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो इस तरह से आपको पूरा चीज़ नोट डाउन करना है।
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यहाँ पर बीटा से दर्शाएंगे, यहाँ पर डेल्टा ए, ए डॉट डेल्टी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से लास्ट में आपका कंक्लूजन निकल कर आया किसी ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है, दोगुना होता है। एक बार आपको फिर से शो कर देता हूँ, यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे पूरा आपको लिखना है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल का प्रसार गुणांक, फिर डेल्टा ए का मान रखना है तो उससे बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर बीटा इक्वल टू आया 2 अल्फा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है तो उसको आपको बताना है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत का थ्योरी पोर्शन है, सबसे पहले आप उसके सिद्धांत को बताएंगे कि सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद उसका व्युत्पत्ति डेरिवेशन लिखना है, तो डेरिवेशन इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद अगले पॉइंट में जितना भी चीज़ें यहाँ पर लिखा है उनको आपको लिखना है। सबसे पहले बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर द्रव द्वारा आरोपित दाब P1 = xdz, जहाँ पर d क्या द्रव का घनत्व है। तो इस तरह से आपको नोट डाउन करते जाना, F1 F2 मिल जाएगा, F2 यहाँ पर ग्रेटर है F1 पर, तो बेलन के ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल F2 - F1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारा कंक्लूजन मिल जाएगा, इसी को ही आपको उत्प्लावन बल के माध्यम से इसको समझाना है। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का नामांकित चित्र है, इस तरह से आपको इसका रेखा चित्र बनाना है। उत्प्लावन बल वाला पहले VdGH आ जाएगा, फिर बेलन द्वारा विस्थापित द्रव का भार इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव भार के तुल्य होते हैं, इसी को ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बर्नौली का प्रमेय समझाना है, तो बर्नौली के प्रमेय को किस तरह से लिखेंगे, पहले इसकी परिभाषा को बताएंगे। परिभाषा क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। गणितीय परिणाम इस तरह से आपको पहले इसका रेखा चित्र बनाना है, उसके बाद ये पूरा चीज़ को डेराइव करना है, डेराइव वाले पार्ट्स में लिखना है। पहले परिच्छेद ए से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य, उसके बाद बी पर द्रव पर किया गया कुल कार्य, फिर अवृतता के सिद्धांत से क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में करना है। ये सारा चीज़ आपको डेरिवेट करेंगे, सारा चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट्स पर मैसेज करेंगे, आपको इसका डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरह से आपको पूरा चीज़ों को करना है। तो लास्ट पॉइंट, आपने निष्कर्ष क्या निकाला, द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती। सूत्र आपका क्या निकल कर आया, P/dgH + ½V² = नियतांक। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कार्नोट चक्र के लिए सूचक आरेख और कार्नोट चक्र की दक्षता के लिए व्यंजक। तो इस तरह से आपको सूचक आरेख, उसके बाद आपका पूरी पॉइंट को समझाना है। समतापी प्रसार में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य स्रोत से अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है, 4 पॉइंट में यहाँ पर एक्सप्लेन किया, W1 W2 W3 W4 आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर आपका किया गया कुल कार्य आपको निकालना है। तो ज़्यादा इजी टास्क है, बहुत ज़्यादा ये टास्क कठिन नहीं है, बहुत इजी ये डेरिवेट किया है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, W1 W2 W3 W4 कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उस पर किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, W1 + W2 - W3 - W4 होगा। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है, दक्षता का सूत्र लगा देना है, इस तरह से आपको समीकरण लेते हुए हल करना है। हल करते जाएंगे तो इस तरह से आप पॉइंट आगे की ओर बढ़ जाएंगे। T1 / T2 निकाल लिए, फिर यहाँ पर लॉग की भी फॉर्मूला लगने वाला है। लास्ट आपका जो आएगा η = 1 - T2/T1 होता है, यही अभिष्ट संबंध होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब योर चैनल, थैंक यू।